सो हे गाइस, दिस इज प्योर गाइस। आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले एक और पोकेमॉन यूनाइट का गेम प्ले। अभी इस वाले मैच में गाइस मैंने लिया था भाई ग्रे निंजा। अभी मैंने बोला है कि भाई मैं बहुत सारे पोकेमॉन्स ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो ग्रे निंजा भी अपने को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही बढ़िया रेंज अटैकर है। जैसा नाम है, मैंने बोला जैसा नाम है इसका, वैसा इसका काम है भाई कि निंजा की तरह है, मतलब खुद के क्लोन्स बनाता है। जो नारुतो भाई किसी ने देखा होगा नारुतो, तो उसमें अपना शैडो क्लोन्स जैसे बनाता है वो, उसी की तरह ये भी क्लोन्स यहाँ पे बनाते हैं उसके एबिलिटीज से। और फर्स्ट एबिलिटी से भाई अपने शुरिकेन वगैरह फेंकता है या फिर एक डैश, एक सर्फ नाम की एबिलिटी है शायद, पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। सो उससे वो डैश मारता है या फिर शुरिकेन फेंक सकता है। तो वो अपन ने यहाँ पे पोकेमॉन ले लिया था। बाकी ये वाली लेन पे अभी हम फार्मिंग वगैरह कर रहे थे और एक किल हमारे डिफेंडर को मिल चुका था। मेरे साथ स्क्वाटर लिब्रा खेल रहा था यहाँ पे, एंड यस समीर भी था शायद से, जंगलिंग वगैरह कर रहा था वो भी एप्सोल लेके। उसका फेवरेट एप्सोल है, वो मोस्टली एप्सोल ही खेलता है। मेरा फेवरेट वैसे वेनसोर और नाम याद नहीं आ रहा, हाँ क्रसल मेरा फेवरेट है, ठीक है। बट अभी मास्टर में पहुंच चुका हूँ, तो मैंने बोला भाई और पोकेमॉन्स अपन ट्राई करेंगे। बाकी गाइज तुम लोग बोल रहे होंगे भाई पोकेमॉन यूनाइट के कंटेंट डेली क्यों नहीं डाल रहे हो, क्योंकि गाइज मैं बाहर आ चुका हूँ, मतलब बाहर मतलब कि फैमिली और रिलेटिव्स के साथ हम लोग तिरुपति बालाजी को आए हैं यहाँ पे दर्शन वगैरह लेने के लिए, ठीक है। और इस वजह से मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखी है, तीन वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड करके रखे, दो दो दिन पे एक एक वीडियो में डाल रहा हूँ। 5-6 दिन का हमारा स्टे है यहाँ पे। मैं भी इंस्टाग्राम पे फोटोज़ वगैरह अपलोड ज़रूर से करूँगा, अगर देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी की, ठीक है। तो इसी वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल रहा, ठीक है। एक बार हम वहाँ से जाके आएंगे, उसके बाद रेगुलर वीडियोज़ भी आएंगे। और एक और खुशखबर है गाइस कि अपना गेमिंग पीसी भी आने वाला है ये मंथ में, मे बी पता नहीं ये मंथ के एंड तक आ ही जाएगा गाइस, ठीक है। हम कोई बड़ा पीसी बिल्ड नहीं कर रहे, बहुत ही बढ़िया लॉग 2 लाख ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल भाई नॉर्मल 50,000 का गेमिंग पीसी हम लोग बिल्ड करा रहे। और उसके बाद भाई अपन पोकेमॉन यूनाइट की स्ट्रीम भी करेंगे, सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं गाइस, मैंने और रीजंस के लिए भी लिया है, पढ़ाई वगैरह ये सब। मेरी दीदी भी है छोटी, वो भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए भी ज़रूरत था पीसी, सो मैंने सोचा एक गेमिंग पीसी लेते, सब कुछ चल जाएगा भाई। कोई सॉफ्टवेयर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होगी तो भाई वो भी चल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अच्छा पीसी बिल्ड कराते। एक गेमिंग पीसी होगा तो भाई मेरे को भी गेम्स खेलने में भी, ठीक है, हो जाएगा भाई अपना भी काम, ठीक है। इस वजह से वो ले रहे गाइस। बाकी यहाँ पे बात करें गाइस गेम प्ले की, तो यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में क्रसल था और ग्रे निंजा था। मैं भी ग्रे निंजा, आगे भी ग्रे निंजा ही था। और डिफेंडर जो थे हमारे टीम में ब्लास्टोइस था और एनिमी टीम में भाई क्रसल था, ठीक है। बाकी यहाँ पे गाइस स्कोरिंग चल रही थी अच्छे से, हम फार्मिंग भी कर रहे थे, हमारी लेवल जो थी वो भी लगभग सेम ही थी। और ये वाला गेम प्ले जो है ना गाइस वो काफ़ी इंटेंस हो गया एंड में। मैं जितने भी गेम प्ले डालता हूँ गाइस सबके सब इंटेंस होती है। अगर तुम एंड तक वीडियो देखते हो भाई तुमको 101% मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। और अगर तुम पोकेमॉन यूनाइट खेलते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ऐसे अगर तुम पबजी खेलने वाले बंदे हो और ये वीडियो भाई देख रहे हो, मे बी तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा गाइस कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। बट मैं बताऊँ गाइस, तुम लोग खेल के देखो एक बार गेम भाई, बहुत सारे गेम्स है गाइस, बहुत बहुत बढ़िया गेम्स है, बहुत सारे आने वाले हैं और भी, ठीक है। एपेक्स लेजेंड्स आने वाला है, ठीक है। लीग ऑफ लेजेंड भाई मैं तो रहा देख के परेशान हो गया गाइस, मैं खेलता तो आज भी हो गाइस वो गेम, बट पता नहीं यार वो इंडिया में कब आएगा, क्योंकि जब इंडिया में आएगा बहुत सारी चीज़ें करनी है गाइस उस गेम में हमको। हमने वो गेम इतना खेला है भाई हमको, तुम मेरे को अब अगर उस गेम का कोई भी चैंपियन लेके मेरे को बोलेगे भाई इसका आइटम बिल्ड बता दे, मैं ऐसा पूरा ऐसा रट्टा मार चुका होगा उस गेम का। मैंने उस चैंपियन वो सब एकदम सब गिन के 100 में से 2-3 चैंपियन होंगे जो मेरे को ठीक से खेलने नहीं आते होंगे, ठीक है। बाकी सब उसमें आता है। अरे मैं कहाँ पे फिर से भटक रहा होगा अपने टॉपिक से, या ऐसे होता है मेरे को भाई ऑफ टॉपिक बात करने की भी बहुत सारी आदतें हैं ऐसी, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो सब छोड़ो, अपन बात करते हैं गेम प्ले की। यहाँ पे रोटम उन लोगों ने मार दिया था और यहाँ पे पुश कर देते और हमको यहाँ पे भाई फिनिश कर दिया उन लोगों ने। 2 किल क्रसल ने निकाली है और यहाँ पे उनका पंछी भी भाई मार रहा था, ठीक है। हमारी अच्छी खासी यहाँ पे पिटाई हो गई, 4 बंदे हमारे मारे गए थे यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि भाई गेम प्ले टफ होने वाला है, ऐसे होने वाला गाइस हमारे काफ़ी सारे जोन्स देखना कि हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे ऑलरेडी। हमारे ऊपर का भी हमारा जोन डिस्ट्रॉय हो चुका था, नीचे का भी हमारा जोन डिस्ट्रॉय हो चुका था, हमने अभी भी उनका एक भी जोन डिस्ट्रॉय नहीं किया था, ठीक है। और रैंक मैच खेलने के बाद गाइस अगर हम स्टैंडर्ड खेलते ना, हम सच बता रहे इतना ईजीली हम स्टैंडर्ड जीतते हैं, 700, 200, 900, 200, 300 ऐसा उनका स्कोर रहता है, मतलब उनका वो लोग 300 स्कोर भी ठीक से कर नहीं पाते। बट जहाँ पे रैंक मैच खेलने लगो भाई इतने टफ बंदे आते हैं, इतने हार्ड बंदे आते हैं कि भाई जो कुछ चेंज होना होता है जहाँ पे टर्न मिलता है अपने को वो होता है भाई जैपडॉस की मदद से, ठीक है। अगर मैच जीतना है भाई जैपडॉस को मारो, ठीक है।
और अगर समझो एनिमी ने ज़ैपडॉस मार लिया और उसके बाद भी हम जीते तो भाई कुछ ही पॉइंट से जीतेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे हो जाएगा, लक थोड़ा बहुत हमारे फेवर में आ जाएगी जिससे कि हम मैच जीतेंगे। इतना हार्ड होता है गाइस यहाँ पे। अभी के टाइम को आपको मैंने बताया कि मेरा रैंक अभी थोड़ा गिर चुका है गाइस, थोड़े मैंने माइनस खाए हैं। अभी मेरा रैंक 2500 या फिर 2100 कुछ तो भी रैंक चालू है मेरा, ठीक है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा गाइस। एक मैच अगर जीतते, एक दो मैचेस अगर कंटिन्यूसली जीतते ना, सीधा मैं 1000 के आसपास आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी गाइस अभी के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रेडनो स्पॉन होने वाला था 10 सेकंड में, और देखना क्या ये वाला ड्रेडनो हमको मिल पाता नहीं। यहाँ पे पता नहीं क्यों हमारे बंदे भाई सरेंडर वोट कर रहे थे यहाँ पे, और इसी बीच गाइस यहाँ पे मैंने एक बंदे को फॉलो अप किया पूरा और उसको यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। बंदे मेरे पीछे लग गए थे बट मैंने अल्टी चला दी यहाँ पे, और भाई ईजी मैं यहाँ पे मैं एस्केप नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया यहाँ पे अपना, ठीक है, यहाँ पे मैं मारा जाता हूँ। बाकी अपने बंदे यहाँ पे स्कोर कर देते थोड़ा बहुत, और नीचे की तरफ भाई एनिमी को ड्रेडनो मिल जाता, ये इतना अच्छा नहीं हुआ। ड्रेडनो एनिमी के पास जाना नहीं चाहिए था बट उन लोगों ने भाई ले लिया, अभी क्या कर सकते हैं। बाकी अभी हमारे नीचे के दो जोन्स गए डिस्ट्रॉय हो चुके थे एनिमी के, आप देख सकते हैं नीचे का अभी भी एक भी जोन डिस्ट्रॉय नहीं, ऊपर का जैसे तैसे उन लोगों ने मतलब हमारे टीम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी ऊपर की तरफ रोटम स्पॉन हो चुका था और रोटम उनको मिल भी गया था, रोटम स्पॉन भी हुआ और उन लोगों ने भाई हासिल कर भी लिया था। अभी हमको डिफेंड करना था ऊपर की साइड। अभी यहाँ पे मैं शायद से मैं भी अभी ऊपर जाऊँगा या फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत फार्मिंग करूँगा। तो यहाँ पे डिफेंड करने के लिए मैं आ ही रहा था बट तब तक हमारा जोन डिस्टर्ब हो चुका था, और अभी भी गाइस उनके पास रोटम था, रोटम लेके वो लोग हमारे मेन जोन की तरफ अभी पुश कर रहे थे। हमारा बस यही एक जोन बचा हुआ है, बाकी सब जोन डिस्टर्ब हो चुके हैं। उन लोगों ने भाई अभी किल्स भी निकाले थे, और यहाँ पे देखना गाइस कि क्या होता है। बंदे अभी भी गाइस अभी भी लोगों को लग रहा था, हमारी टीम के बंदों को लग रहा था कि बस सरेंडर कर देना चाहिए, हार चुके हम ये वाले मैच, ऐसा लग रहा था, बट देखना कि होता क्या है। बाकी यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, मेरे को लगा कि भाई बंदों की हेल्थ लो है, जाते अपन घुस के मार देंगे ऐसा सोच रहा था, बट मैं ये भूल गया कि भाई मैं रेंज अटैक करूँ, मेरी हेल्थ जो है वो कम होती है, ठीक है, और जो एनिमी है मेरे सामने वो है टैलन फ्लेम, जो कि देता है एक बर्स्ट डैमेज, गंदा बर्स्ट डैमेज देता है। उसने फ्लाईबिलिटी यूज़ की, उसके बाद फ्लेम चार्ज और एक बेसिक अटैक, दैट्स इट, मैं ख़त्म हो गया यहाँ पे। बाकी अभी के लिए गाइस मैं फिर से रिस्पॉन हो चुका था, यहाँ पे लग जाता भाई फार्मिंग पे, क्योंकि लेवल अप करानी है फटाफट। और अभी के लिए मेरे पास यूनाइट मूव भी था और ज़ैपडोर जो था वो आने में अभी 38 सेकंड बाकी थे। बाकी नीचे की तरफ 15 सेकंड में ड्रेडनो भी स्पॉन होने वाला था और ड्रेडनो की फ़ाइट ये बार होगी, और देखना क्या ये बार हमको ड्रेडनो मिल पाता है। वैसे तो चांसेस कम है क्योंकि वो लोग काफ़ी हमारे ऊपर हावी हो रहे थे, ठीक है, बट स्टिल देखना, हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे ब्लास्टोइज ने भाई बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे ड्रेडनो जो था वो चोरी कर लिया। अभी इसकी वजह से थोड़ा सा कैसा कि कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब लेवल अप हमारा हो गया, शील्ड मिल गया हमको, ठीक है, और अभी ज़ैपडॉस भी स्पॉन हो चुका था। और यहाँ पे देखना गाइज़ कि ये वाली फ़ाइट कैसी होती है, क्या हमको ज़ैपडॉस मिल पाता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे मेरे को लगा कि भाई मेरे अल्टी से भाई ज़ैपडॉस मेरे को मिल जाएगा, अपनी टीम के लिए मिल जाएगा, बट मेरे अल्टी से उतना डैमेज मिला नहीं, थोड़ी सी एचपी बाकी थी, तभी अपना क्रसोल जो है वो यहाँ पे भाई डैमेज दे देता है और अपनी टीम को भाई ज़ैपडॉस मिल जाता है। और यहाँ पे मैं स्कोर कर देता, उसके बाद जल्दी से मैंने देखा था कि उनके एनिमी टीम का क्रसल अपने बेस की तरफ बढ़ रहा है, और तभी के तभी मैंने रिकॉल कर लिया और इसको पॉइंट करने से पहले ही मार दिया, और यहाँ पे मैंने 100 पॉइंट्स भाई बचा लिए। अगर ये 100 पॉइंट्स कर देता तो कुछ भी हो सकता था, देखना कि स्कोर कितना होता है, कितने पॉइंट्स से हम जीतेंगे। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि एनिमी का क्रसल यहाँ पे 100 पॉइंट्स करने वाला था, अगर मैं पीछे नहीं आता तो पता नहीं वो स्कोर कर देता मे बी, ठीक है, मुझे पता नहीं मेरे साथ कोई बंदा था या नहीं यहाँ पे। बाकी गाइस यहाँ पे अभी 56 सेकंड में गेम प्ले ख़त्म होने वाला, अपने काफ़ी सारे बंदों ने भाई यहाँ पे स्कोर कर दिए थे, ठीक है, और उनके भी सारे जोन डिस्टर्ब हो चुके हैं, और देख सकते हो कि चारों के चारों बंदे हम यहाँ पे आके भाई डिफेंड करने लग गए अभी। अबे निंजा आनुसी था कबे अबे मी मतलब फुटबॉल है अबे 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 मुझे वाली लग रही है आनुसी अरे बेरे आता आता हो गया लाओ बगल बाकी गाइस यहाँ पे हम लोग डिफेंड कर रहे थे बट पता नहीं कैसे एल्डिगोस जो सपोर्टर है वो यहाँ पे आके 64 पॉइंट्स कर दिए भाई, पता नहीं कैसे,
ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये भी बंदा भाई 12 पॉइंट स्कोर कर देता है, जो टैलेंट फ्लेम था 12 पॉइंट स्कोर कर सकते हो गाइस, 12 मतलब कि उसने 6 पॉइंट्स यहाँ पे डाले और उसने स्कोर करते। बाकी अभी स्कोर देखते गाइस कि कितना होता है, क्या ये वाला मैच हम जीत पाते या नहीं। तो गाइस काफ़ी सारे पॉइंट्स से हम लोग जीते थे क्योंकि हमको ज़ैप्डोस जब मिला था हमारे सारे बंदों ने शायद से यहाँ पे स्कोर कर दिया, देख सकते हो सबके पॉइंट्स 100 के ऊपर ही थे और हमको यहाँ पे MVP मिल जाता है गाइस। यहाँ पे अपने 8 किल्स थे, 118 का स्कोर था। एंड यस, आज का गेम प्ले अगर पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना गाइस। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।